हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी खुद का मेकअप आप कैसे करें, बिगनर्स के लिए सेल्फ मेकअप लुक, जिसकी आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो, बहुत महंगी महंगी होती हैं और आपको समझ में कुछ नहीं आता है इतने पैसे वेस्ट करने के बाद भी। आपको इस वीडियो में कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, बस अपना थोड़ा सा कीमती समय देना है इस वीडियो को देखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाया है कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है, जो मेकअप में आप गलतियाँ कर देते हो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देती हूँ। बस आपको एक काम करना है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यूजफुल रहे आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आइए वीडियो देखना शुरू करते हैं, सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल। ओके, मेकअप में फर्स्ट स्टेप होता है फेस क्लींजिंग। फेस आपका अच्छे से क्लीन होना चाहिए, मेकअप का फर्स्ट रूल है। वैसे मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते हैं, बट फिर भी आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करने के बाद ही अपना फेस पे कुछ भी प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो मैं एक वेट वाइप्स की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, आप फेस वॉश भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है मेरा मॉइस्चराइजिंग, तो आप टोनर भी ज़रूर लगाएं अपने फेस पे, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। मैं टोनर लगा चुकी थी, वो क्लिप से डिलीट हो गई है। नेक्स्ट, टोनर लगाने के पहले फेस को क्लीन करना है, टोनर लगाना है अपने फेस पे। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। फिर आपको थर्ड आपका स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग, जिसे हम बोलते हैं CTM। इन तीन चीज़ों को मिलाकर CTM बनता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जहाँ पर मुझे स्किन मेरी जहाँ से फटती है, जहाँ से ड्राई होती है सर्दियों में, मेरी नॉर्मल जो नोज़ की जो स्किन है वो पील होती है, तो मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। तो यहाँ पर यूज़ किया मैंने ममार्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, और जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र आपको अच्छा लगता हो आप वो मेकअप से पहले ज़रूर लगा लीजिए। और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप कोई भी लिप बाम या आपके पास पेट्रोलियम जेली है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्किन के बाद, स्किन को अच्छे से पैम्पर करने के बाद स्टार्टिंग करते हैं मेकअप की। तो मेकअप के लिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्राइमर। तो यहाँ पर मैंने लिया NYB का ब्लड प्राइमर। आपने देखा होगा जब हम वॉल्स पर पेंट करते हैं, दीवारों पर पेंट होता है हमारी पे, तो हम पहले प्राइमर लगाते हैं उस पर और फिर एक पेंट लगाते हैं, जिससे कि इवन जो हमारी दीवार है वो प्राइमर के बाद इवन हो जाती है। कलर जब हम उस पर लगाते हैं तो वो अच्छे से उभर के आते हैं, क्लीन लगता है। वैसे ही हमें अपने फेस के लिए भी प्राइमर यूज़ करना होता है, स्किन प्राइमर होता है। प्राइमर लगाने के बाद जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, जिससे कि जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती है, क्योंकि ओपन पोर्स से ही स्वेटिंग आता है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, इवन हो जाती है स्किन और मेकअप फ्लॉलेस और स्मूथ हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मैंने अपने टी जोन एरिया पर ये प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर के बाद आती है कंसीलर की। तो इस तरीके से कंसीलर पैलेट होता है, अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस तरीके का कंसीलर पैलेट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें सब तरीके के आपको कंसीलर मिलेंगे, हाईलाइट कंसीलर, डार्क कंसीलर, ऑरेंज कंसीलर, कंसीलर कलर करेक्टर सब मिल जाते हैं आपको। इस तरीके की भी होते हैं, जैसे मेरे पास हैं एलेगर के प्रो कंसीलर, एक ऑरेंज है और एक पीच है। तो ऑरेंज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको स्किन पे कौन सा कंसीलर जाएगा कौन सा नहीं, तो आप इस तरीके का पीच कंसीलर ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर स्किन वालों के लिए बेस्ट रहता है ये। तो मैंने इस तरीके से अपनी बैक हैंड पे लिया था और डैप अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से, जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, नॉर्मली मेरे लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, हल्के से डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, तो उस एरिया पे अपनी फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अच्छे से लगा लेना है, इस तरीके जैसे कि मैं लगा रही हूँ। फिंगर की हेल्प से लगाओगे ना ये थोड़ा सा वॉर्म रहता है, वैसे ब्यूटी ब्लेंडर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे फिंगर की हेल्प से कंसीलर लगाना बेस्ट लगता है। जिस एरिया पे हमें पिगमेंटेशन के डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। पीच ही लें, अगर आप बिगनर हो तो पीच कलर का कंसीलर यूज़ करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है कंसीलर्स में। कंसीलर हाइलाइटर कंसीलर भी होते हैं, डार्क कंसीलर भी होते हैं, लाइट कंसीलर भी होते हैं, आपको कलर करेक्टर भी होते हैं, तो इसलिए अगर आप बिगनर्स हो तो आप मेरे कहने से पीच कंसीलर ही यूज़ करें, एलेगर्ल का बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अपने फेस को कंसील। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मैं फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड नंबर है 220, शायद 220 है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जरूर चेक कर लेना। इस तरीके से मैं बैक हैंड पे लिया है और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी, जिससे कि इवन ही इक्वल मेरे पूरे फेस पर लग जाएगा इस तरीके से। और हाँ,
अपनी स्किन, अपनी शेड नंबर, जो भी आपकी स्किन का शेड है उसी के ही अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है हमारा मेकअप केकी हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। वो सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से होता है, जो होता है आपका शेड नंबर गलत, जो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड नहीं लेते हो इसीलिए। ओके, अब हम इस फाउंडेशन को ब्लेंड कैसे करेंगे, तो इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश भी होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर भी आता है जो कि आपको 50 रुपीज़ का लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर लो, वेट करो उसको, अच्छे से निचोड़ दो पानी को, उसके कुछ अच्छे से निकाल दो और फिर इस तरीके से डैप डैप करके आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करो। बहुत अच्छी कवरेज आएगी, सीरियसली मैं अपना ज़्यादातर मेकअप ना ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ, बट आजकल मैं फ्लैट ब्रश ये यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का ब्रश। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, हाफ़ मैं फेस पे कर रही हूँ इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर यूज़, और नेक एरिया बिल्कुल भी मत भूलना, काफ़ी लोग आपकी मजाक बना देंगे कि आपका फेस तो काफ़ी ब्राइट लगेगा और नेक ब्लैक लगेगी। मेरे साथ अक्सर ऐसे पहले होता था बट अब नहीं होता है क्योंकि मुझे पता चल गया है नेक ईयर्स बिल्कुल भी मत भूलना, आपके फेस के अकॉर्डिंग ही एकदम सेम कलर लगना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक्स्ट मैं हाफ़ फेस पर यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश, तो आप स्पीड देख पाओगे जो ब्रश है उससे काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और ब्यूटी ब्लेंडर से इतना नहीं हो पाता है, स्पीड दे देगा बट ये इवनली जो कवरेज फाउंडेशन दे देगा ना वो कवरेज मुझे नहीं लगता ब्रश दे पाता है। नॉर्मली जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ब्रश तो यूज़ करते हैं वो, पर वो लास्ट में एक बार ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर आपके पूरे फेस पर लगाएंगे, तो ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है, मुझे ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें मैंने हाफ़ फेस फुल वीडियो है वो इसी पर की हाफ़ फेस पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, हाफ़ पर मैंने ब्रश यूज़ किया है, फुल मेकअप मैंने इन दोनों चीज़ों से करके दिखाया है आपको, ज़रूर देखना आप वो वीडियो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करो अगर आप बिगनर्स हो तो। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर, तो हमने पहले कलर जितने भी हमारी पिगमेंटेशन वगैरह थी उसे हमने कवर अप किया था कंसीलर की हेल्प से, वो था कंसीलर। एक ये कंसीलर है जिसे बोलते हैं हाइलाइटर कंसीलर, ये हाइलाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं हम अपने जो हमारे फीचर्स हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि हमारे डार्क जो आइज़ का नीचे का जो एरिया है अगर वो अंदर की तरफ होता है उसे हाईलाइट करने के लिए, बाहर की तरफ दिखाने के लिए, इसलिए भी इसे यूज़ करते हैं। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, इसे नोज़ का जो टिप है, जो नोज़ का एरिया है वहाँ पर मैंने इसे लगाया है, इस तरीके से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये ना इस टिप को उभरा हुआ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, फोरहेड पे लगाया है जो कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा दिखे, इसलिए हम हाईलाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैं बोलूँगी आप इसे यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा हाईलाइटर कंसीलर को। और अपने इनर्स कॉर्नर्स पर मैंने और आउटर कॉर्नर पर दोनों पर लगाया है, आप देख पा रहे हो जिस जिस एरिया पर मैंने लगाया उस और आपको वहीं इसको सिर्फ ब्लेंड करना है उस एरिया पर ही आपको, ये जैसे हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं उस तरीके से आपको ये फैलाना नहीं है फेस पर। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ पर ही आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है, और आप देख पा रहे होगे इस साइज़ में और इस साइज़ में कितना फ़र्क आ चुका है, ये काफ़ी उभरी हुई दिख रही है उसके मुकाबले जो इस साइड आप जो मेरी दूसरी साइड की आइज देख रहे हो। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे पाउडर, तो बेस को सेट करने के लिए, तो एक होता है लूज़ पाउडर और एक होता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। तो लूज़ पाउडर आप इसे विंटर में ना यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसे समर में यूज़ करो, तो विंटर्स चल रही हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और अगर आप बिगनर्स हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करो, बहुत अच्छा रहेगा। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स हैं तो पाउडर कम अपने फेस पर लगाएंगे, क्योंकि पाउडर आपकी स्किन को ड्राई ही करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा बस लेकर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये बस अपना जो बेस है उसको सेट कर रही हूँ, बस हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था उस एरिया को अच्छे से सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम कलर्स, तो कलर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं, आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो ये स्विस ब्यूटी की फेस पैलेट जिससे हम ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग करेंगे, ये पैलेट पूरी बिगनर्स के लिए बेस्ट है, इसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और पाउडर में है क्रीमी यूज़ ना करें, ब्लशिंग या कॉन्टोरिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा आप पाउडर ही यूज़ करें। तो मैं पहले यूज़ करूँगी कॉन्टोर, फिर ब्लश, फिर हाइलाइटर। ओके, तो आगे ये देखते हैं, तो मैंने इस तरीके का एंगल ब्रश लिया है जिससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोरिंग का मतलब आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा आपने कॉन्टोरिंग सुना होगा, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की टू फिंगर यहाँ से लेनी है आपको अपनी नोज़ के एरिया से, और जो जितना जैसे आप देख पा रहे होगे अभी स्क्रीन पर, मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ इसे,
जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, उस एरिया से लेके अपने आपको हेयर की लाइन तक, लास्ट में लाइन तक इस तरीके से ब्रश की हेल्प से लगाना है। इस तरीके से अगर आप कॉन्टोरिंग करोगे ना, तो आपको जो जो आपकी फेस है, अगर आपका ज़्यादा चबी फेस है मेरी तरह इस तरीके से, तो वो थोड़ा स्मॉल लगता है, ये एक परछाई दे देता है। मैं कॉन्टोरिंग पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कॉन्टोरिंग क्या होती है, कैसे होती है। सही में आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट, इस तरीके का ब्रश लेना है, स्मॉल फ्लॉपी ब्रश है ये थोड़ा सा, और इस तरीके से डस्ट आउट ज़रूर करना है आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप, पाउडर वाला। और इस तरीके से अपनी आपको बिल्कुल स्माइल करते हुए हल्की हल्की सी आपको ब्लश लगा लेना है फेस पे। अगर ये वाइट वाइट रहेगा ना आपका फेस, अगर आपने अपना फेस पे जो भी है आपने क्रीम या फाउंडेशन लगा लिया है, तो वो वाइट कर देता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल एकदम वाइट वाइट। उसके ऊपर से जो आप कलर्स लगाते हो, कॉन्टोरिंग करते हो, ब्लश करते हो, हाईलाइट लगाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद आपका जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाता है, वो स्वेटिंग की भी वजह से नहीं कहीं जाता है, और ये ना केकी भी नहीं होता है और ग्रे भी नहीं पड़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरा क्या सभी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मेकअप के बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करो। ये सबसे सस्ता, मुझे सबसे अच्छा लगा है मेकअप सेटिंग स्प्रे इनसाइड कॉस्मेटिक का। फेस बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। तो मैंने एक आईब्रोज अपनी फिल कर ली है, नेक्स्ट में ये वाली आईब्रोज आपको फिल करके दिखाऊंगी आई शेडो पैलेट से। तो बिगनर्स के लिए पाउडरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसलिए मैं ये पैलेट में से लूँगी ब्लैक शेड, डार्क ब्लैक शेड एंड ब्राउन शेड, दोनों को अच्छे से मिक्स कर जब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेना है प्रोडक्ट, एकदम ज़्यादा नहीं लेना है वरना डार्क फिल हो जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेते रहो, पर कोई बात नहीं, बार बार लेते रहो पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेते रहो, और अपनी आईब्रोज को हल्के हल्के हाथों से फिल कीजिए इस तरीके से। और ये बहुत अच्छा हैक है बिगनर्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट ना लेके एक ही प्रोडक्ट लेकर आप उसमें से ही कितने काम कर सकते हो, बहुत सारे। तो आईब्रोज को इस तरीके से आई शेडो पैलेट से ही फिल कर लीजिए, और एक स्पूल की हेल्प से इस तरीके से स्मच कर दीजिए जिससे कि वो इक्वली प्रोडक्ट लग जाए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड, बहुत ही लाइट ब्राउन शेड है, जिसे मैं एक हल्का सा टिंट, हल्का सा कलर देने के लिए मैं अपने इसे लिड पर लगाऊंगी, पूरी लिड पर लगाऊंगी मैं इसको, और हल्के हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं डार्क ब्राउन शेड लेकर, ये बहुत डार्क है, तो इसको मैं एक फ्लॉपी ब्रश की हेल्प से ही इनर कॉर्नर्स पर इस तरीके से, पहले आपको डस्ट आउट ज़रूर कर लेना है जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली लगे, एकदम ऐसा लगे कि थोप दिया आपने। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अगर आप उसे डस्ट आउट कर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं अपने इनर कॉर्नर्स से लेकर इसको हाफ लिड तक इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से लगाना है। और मैं आपको आई मेकअप नहीं सिखा रही हूँ, बस मैं आपको नेचुरल मेकअप करना सिखा रही हूँ, सेल्फ मेकअप। तो यहाँ से मैंने लिया है ये हाइलाइटर उसी पैलेट में से, तो इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से हाफ लिड तक लगाऊंगी। तो ये सॉफ्ट और नेचुरल सा आई मेकअप हमारा होके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ब्रा बोन पे, ब्राउज़ के जो नीचे वाला एरिया, वहाँ पर हल्का हल्का सा हाइलाइटर लगाऊंगी मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर भी आईज़ के, और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से जो अपने हाइलाइटर और जो आपका डार्क ब्राउन शेड था उसको, बस ब्रश पे कोई कलर नहीं लेना है, बस आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर देना है, बस आउटर कॉर्नर पर, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत नेचुरल सा लाइट सा मेकअप होके रेडी है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइनर की। तो लाइनर के लिए आप अगर बिगनर्स हो तो इस तरीके का स्केच लाइनर यूज़ करें, लिक्विड लाइनर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और मैं यहाँ पर इस टाइम कोई भी लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ लाइनर ही, काजल ही एज अ लाइनर यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से जिस एरिया पर आप लाइनर लगाते हो ना लैश लाइन के पास, वहाँ पर ही इस तरीके से मैंने काजल से लगाया है, और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर और अपर वाटर लाइन पर, दोनों पर अच्छे से लगा लूँगी काजल को। और ये सिस ब्यूटी का काजल, स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल है, बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट और एक अफोर्डेबल काजल है ये। इस तरीके से काजल लगाने के बाद मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको स्मच कर दूँगी हल्के हल्के हाथों से। आप ब्लैक आई शेडो लेकर भी अपने फ्लैट ब्रश पे इस तरीके से इसको लगा सकते हो, और एक विंग भी बना सकते हो, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा, एकदम डिसेंट लुक देता है, और ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनल हो मेकअप्स करने में। इस तरीके का ब्लैक आई शेडो लेना है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, एंगुलर ब्रश भी ले सकते हो आप, तो उसकी हेल्प से इस तरीके से इसको अच्छे से काजल को सेट भी कर देना है। ये कहीं जाने वाला भी नहीं, वैसे भी ये काजल वाटर प्रूफ है, बट लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी उसे अच्छे से सेट कर दीजिए। और इस तरीके से हल्का सा विंग भी बना सकते हो आप,
और आपको किसी भी लाइनर की ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हो बहुत अच्छा लुक आता है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड चेरी की लैशेस लगाने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपको, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो आप लगा पाओगे। इस तरीके से इसके थोड़े से ना कॉर्नर्स को कट कर देना है, कट करने के बाद ग्लू लगाने के बाद थोड़ी सी देर को इसको ड्राई होने के लिए रख देना, बस थोड़ी देर के लिए ही। और इस तरीके से सेंटर में रखोगे इसको, सेंटर में रखने के बाद थोड़ी सी इस तरीके से साइडों से इसको हल्का हल्का सा, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। मैं डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके लिए, अभी आपको फिलहाल मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं और अच्छे से समझाऊंगी तो, बट बस मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इससे ना प्रोफेशनल लुक आता है और ऐसा लगता है आप कितनी महारत आपने हासिल कर रखी है मेकअप करने में। और आप देख सकते हो इस साइड का जो मेरा फेस है लैशेस लगाने के बाद और इस साइड का जो फेस है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है लैशेस लगाने। मुझे लैशेस और मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है मेकअप में, ये ना मेकअप को एकदम चार चांद लगा देते हैं मेकअप में। आपको मेकअप करना आता हो या ना हो, ये दो चीज़ें अगर आपको करनी अच्छे से आती है ना तो आपका मेकअप में कोई नहीं मात दे सकता। तो आप देख सकते हो हाफ फेस और हाफ फेस। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का मस्कारा, ये भी अफोर्डेबल एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा मस्कारा है। और मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना अपनी मेकअप वीडियोस में, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करूँ जिससे कि हर कोई उसे परचेज़ कर पाए, मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए और आप इस तरीके का मेकअप अचीव कर पाओ। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इसी पैलेट में से, स्विस ब्यूटी का पैलेट, और इस तरीके का एक ब्रश ले रही हूँ मैं। तो फैन ब्रश भी होते हैं बट मुझे ना ये ब्रश ज़्यादा बेस्ट लगता है, फैन ब्रश थोड़ा सा फैला देते हैं। इस तरीके का ब्रश होता है ना वो जहाँ पर हम लगाते हैं सिर्फ वहीं पर ही हमारा हाइलाइटर लगता है। और जिस जिस एरिया को हाइलाइट करना है इस तरीके से, मुझे अपने चिन के जो ऊपर का एरिया है वो, मेरा नोज़, मेरा फोरहेड, मेरी लिप्स की जो ऊपर की आई और लिप्स की टिप होती है ना, यहाँ पर मुझे हाईलाइट करना बहुत पसंद है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भर भर के लगाऊं, बहुत ही पसंद है सीरियसली। जब आप भी मेकअप करना सीखोगे ना या आप भी इस तरीके का जब करना शुरू करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा हाईलाइटर ना लगाओ तो मेकअप अधूरा लगता है। नेक्स्ट मैं इस तरीके की यूज़ कर रही हूँ ये ADS की है लिप लाइनर, जिसे मैं अच्छे से अपनी लाइन, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है और हर किसी के लिए वैसे बहुत अच्छा है। लिप लाइनर बहुत ज़रूरी है अपने लिप्स को अच्छे से ड्रॉ करना, जिससे कि एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ हो जाती है, हमारी लिपस्टिक बाहर नहीं जाती और प्रोफेशनल लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो लिपस्टिक लगाने के बाद भी एक बार लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। इस तरीके से अच्छे से मैंने एक लाइट कलर के लिप लाइनर से लिप्स को ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मियोन की ये शेड नंबर 11 है लिपस्टिक, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके के मेकअप में ना हमें ब्राउन लिपस्टिक लगानी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। तो वैसे भी एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो या हाउस वाइफ भी हो, वो भी इस तरीके की लिपस्टिक आजकल बहुत चल रही हैं, लगाएं और इस तरीके का मेकअप अचीव करें, सीरियसली बहुत अच्छा होता है। ये हल्का सा पिंक लग रहा है पर ये पिंक नहीं है, डार्क ब्राउन शेड है। तो हल्के से मैं इस तरीके की, मैंने जैसे कुर्ती पहनी हुई है इस टाइम, एक कुर्ती है मेरी नेवी ब्लू कलर की, तो नेवी ब्लू कलर की ही मैंने बिंदी लगाई है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है और जितनी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं सबके पाए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है अगर इस वीडियो के बारे में, कुछ भी अगर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं जवाब जरूर दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे जुड़ो कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर रखा। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।